करती हूँ। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। घंटे भर में हुई दो वारदात, पांच पावली और हुडकेश्वर में मची खलबली। पुरानी रंजिश के चलते शनिवार की रात ट्रांसपोर्टर और अपराधी को मौत के घाट उतारा। पाचपावली और हुडकेश्वर थाने के तहत एक घंटे में हुई इन घटनाओं से शहर पुलिस में खलबली का माहौल है। ट्रांसपोर्टर की हत्या पाचपावली थाने के टेका नाका बस्ती में हुई है। मृतक का नाम माड़ा क्वार्टर निवासी अरमान अंसारी, ये वाहनों की पार्किंग व्यवस्था में काम करता था। पिछले माह जुबेर शेख की बहन को अरमान ने मारा, अन्य लोगों के साथ जबान लड़ा रहा था। उसी संदर्भ में अरमान जुबेर को जान से मारने की धमकी दे रहा था। कल 26 अगस्त 2018 को अरमान और उसके साथियों के साथ जुबेर का पीछा कर उस पे हमला करने के पहले ही जुबेर ने अपने बहन की और बेटे की जान बचाने के लिए उसे मौत के घाट उतारा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अरमान को अपनी ही गलती के कारण खुद की जान गंवानी पड़ी। पुलिस कर्मचारियों का कहना है कि नसीम शेख और वसीम शेख इनका भी इस हमले में हाथ है, पर नागरिकों द्वारा मिली गई जानकारी के अनुसार अकेला जुबेर ही इस मामले में आरोपी है। तो भी पुलिस कर्मचारियों ने जबरदस्ती नसीम शेख और वसीम शेख को गिरफ्तार किया है। क्या इन दोनों को, वसीम और नसीम शेख को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कर्मचारियों ने खाया है घुस? हुडकेश्वर के परिवर्तन चौक पर उगाही किए जाने से आहत होकर पान ठेला संचालक ने साथी के मदद से अमित रामटेकी की हत्या की। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित सिगरेट पान खर्रा लेता था और रुपए मांगने पर संचालक को धमकाता था। इसी बातों को लेकर उनमें रंजिश चल रही थी। शनिवार के रात विवाद हुआ था, बाद में पान ठेला बंद कर दोनों बार में गए। वहां अमित साथियों के साथ आया था। वहां से लौटने पर आरोपी शैलेश हीरामन गुलाने ने पान ठेले के पास आकर कुछ समय बाद अपने साथियों के साथ पान ठेले के पास पहुंचे थे। पहुंचते ही शैलेश हीरामन गुलाने और कार्तिक पुरुषोत्तम धार्मिक, इन्होंने साथियों की मदद से अमित की पत्थरों से मारकर जान ली। पुलिस ने हत्या के सूत्रधार साई पान पैलेस के संचालक शैलेश हीरामन गुलाने और कार्तिक पुरुषोत्तम धार्मिक को गिरफ्तार किया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें। तब तक के लिए नमस्कार।